करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया है, यानी कि हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदली है। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। ताजा आंकड़ों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस 40 सीटें जीत चुकी है, वहीं भाजपा 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है। 2017 के मुकाबले उसे 19 सीटों का नुकसान हुआ है। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। एमसीडी चुनाव में भाजपा को हराने वाली आम आदमी पार्टी पहाड़ में खाता तक नहीं खोल पाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नतीजों के बाद इस्तीफा दे दिया। इधर कांग्रेस में सीएम चुनने के लिए मंथन जारी है। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सीएम पद की रेस में आगे चल रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम चर्चाओं में शामिल है। हालांकि कल चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और उसी बैठक में सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है।